नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में टॉप 20 में एक बार फिर से। आज हम 20 प्रश्नों को हल करेंगे और ये आपका एक टेस्ट टाइप रहेगा। मैंने आपको कल टॉपिक बता दिया था, एसिड बेस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षार और लवण। तो आपने उसमें कुछ पढ़ा भी होगा, अगर नहीं हो तो जब तक ये हमारा टॉपिक चलता रहेगा तब तक आप उसका अच्छे से थ्योरी को तैयार कर लीजिए। फिर मैं आपको रोज़ाना 20 प्रश्न जो है इस टॉपिक से रिलेटेड, कम से कम एक टॉपिक से 100, 150, 200 जितने भी प्रश्न बन सकेंगे संभवतः उतने क्वेश्चन लगाए जाएंगे। उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया जाएगा। टॉपिक केवल वही उठाए जाएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार। अभी प्रश्न संख्या एक दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण कोका कोला या दूसरे मृदु पेयों का स्वाद खट्टा और तीखा स्वाद होता है। कौन से अम्ल की उपस्थिति के कारण कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक कोई भी अपने पीते हैं तो उसके अंदर जो स्वाद खट्टा या तीखा तीखा जो महसूस होता है वो टार्ट्रिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल या फॉस्फोरिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है वो देंगे आप अगले 30 सेकंड के लिए, मैं आपके लिए ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ। तो प्रश्न संख्या एक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा, फॉस्फोरिक अम्ल। ऑप्शन से जो है ए बी सी ऑप्शन या से ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, फॉस्फोरिक अम्ल जिसे हम H3PO4, क्या लिखते हैं, जिसे हम H3PO4 भी लिख सकते हैं। तो फॉस्फोरिक अम्ल जो है सही आंसर है। प्रश्न संख्या दो की ओर बढ़ते हैं अभी हम। प्रश्न संख्या दो में आपको दिया गया है, जब नींबू के रस को बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है, नींबू के रस को इस प्रकार के जो ये वर्किंग है ये आप NCERT की बुक में प्रयोग जो है उनको उठा करके देखेंगे, उन प्रयोगों में सब दिए हुए हैं। ये अपना एवरीडे साइंस भी यूं कह सकते हैं हम। जब नींबू के रस को बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है तब तीव्र अभिक्रिया के साथ बुलबुलों के रूप में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, अभिक्रिया के साथ बुलबुलों के रूप में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। प्रैक्टिकल हमने कभी किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन ये हमें एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि जब नींबू के रस में बेकिंग सोडा को मिलाया जाता है तब तीव्र अभिक्रिया के साथ बुलबुलों के रूप में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम गैस। इसका जो सही आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या तीन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीन में दिया गया है, वह कौन सा अम्ल है जो बैक्टीरिया तथा कवकों की वृद्धि को मंद भी करता है। ऐसा कौन सा अम्ल है जो बैक्टीरिया तथा कवक, कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें बैक्टीरिया तथा कवकों की जो वृद्धि है उसको क्या करता है, मंद करता है। प्रश्न संख्या तीन, प्रश्न संख्या तीन का सही आंसर होगा कौन सा, फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल कौन से ऑप्शन में दिया गया अपने को, ऑप्शन से में दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा फॉस्फोरिक अम्ल। आप एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें 1 से 20 तक के कॉलम बना लीजिए और आप अपना आंसर भी लिखते रहिए और साथ के साथ मिलान करते रहिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या चार की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या चार में दिया गया है, HCl, HNO3 और H2SO4 अपने जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं या कुछ कहा नहीं जा सकता। HCl, HNO3 और H2SO4 आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। ये अपने जलीय विलयन में, HCl के लिए मैं बता देता हूँ आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है इन पर। HCl, HNO3 और H2SO4 अपने जलीय विलयन में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, बे जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या चार के बाद हम पाँच की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या पाँच में दिया गया है, निम्न में से किसका उपयोग एसीटोन बनाने में किया जाता है। एसीटोन बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या पाँच स्क्रीन पर है, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। प्रश्न संख्या पाँच, प्रश्न संख्या पाँच में निम्न में से किसका उपयोग एसीटोन बनाने में किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा द, यानी एसिटिक अम्ल जो है इसका उपयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, एसीटोन बनाने में। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका, CH3COOH, ये इसका एसिटिक अम्ल के लिए याद रखेंगे। ये फॉर्मूला रूप में भी लिखा हुआ पूछा जा सकता है, क्लियर है। प्रश्न संख्या छः की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या छः में दिया गया है, निम्न में से किसका उपयोग, यहाँ जो लिखा गया है दांतों,
इसे आप थोड़ा सा सही कर लेंगे। दांतों की वजह यहाँ आपको मैंने प्रश्न में डालना चाहा था क्या, धातुओं को साफ करने में, किसको धातुओं को साफ करने में किया जाता है, निम्न में से किसका उपयोग धातुओं को साफ करने में किया जाता है, प्रश्न संख्या 6। तो 6 में सही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन बे जो है इसका सही आंसर होगा, साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल, ठीक है, प्रश्न संख्या 6। ठीक है, इसका जो अपने फॉर्मूला यूज करते हैं वो कौन सा है, सिट्रिक अम्ल के लिए हम यूज करते हैं C6H8O7। फॉर्मूला टाइप में अगर आपसे ये ऑप्शन में डाल दिया जाए तो सिट्रिक अम्ल के लिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं उसको देख लीजिएगा, C6H8O7। ठीक है ना, तो ये आप दोनों तरफ से याद रखेंगे, धातुओं को यहाँ पर दांतों ने लिख करके क्या लिखेंगे, धातुओं को साफ करने में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है फॉर्मिक अम्ल। आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था फॉर्मिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है हमें, चींटी या नेटल। नेटल एक तरीके का पौधा होता है जो कि अपने अगर हाथ में चुभ जाता है तो उसकी वजह से उसका जो अम्ल होता है वो अपने शरीर में फैल जाता है और हमें जलन महसूस होती है। वो कांटे होते हैं ना छोटे छोटे तीखे तीखे, जो घरों के बाहर जो आमतौर पर आपने देखा होगा शोपीस के लिए लगा के रखते हैं, तो फॉर्मिक अम्ल हमें वहाँ से प्राप्त होता है। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है किसके लिए, उपयोग किया जाता है फॉर्मिक अम्ल का, जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, फलों के संरक्षण में या रबड़ के संकंदन में, उपयुक्त सभी। तो ये जो फॉर्मिक अम्ल है इसका जो उपयोग है जीवाणुनाशक, फलों के संकंदन और उपयुक्त सभी। आपने देखा होगा ना ये फॉर्मिक अम्ल हमें नेटल से और चीटी से प्राप्त होता है, और नेटल जो एक पौधा होता है इस तरीके का, और इस अम्ल के इस जो पौधा कांटे वाला जो होता है, ये कांटे जब चुभ जाते हैं तो इसके पास में इसका सॉल्यूशन भी होता है, ध्यान रखेंगे। इस पौधे के साथ ही एक पौधा उगा होता है जो कि जिसको घिसने से हाथ पर उस अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। निम्न में से किसका उपयोग एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है, ये प्रश्न जो है एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है उपयोग, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, इसको आप इंपॉर्टेंट के श्रेणी में डाल लें। एक्वारेजिया बना, निम्न में से किसका उपयोग एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है, तो प्रश्न संख्या 8 में आपको जो है आंसर बताना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका उपयोग स्टेनलेस स्टील, किसका उपयोग स्टेनलेस स्टील के अम्ल उपचार में किया जाता है, स्टेनलेस स्टील के अम्ल उपचार में किया जाता है, तो निम्न में से किसका, प्रश्न संख्या 9 में आपको ऑप्शन देना है, तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, नाइट्रिक अम्ल। निम्न में से किसका उपयोग स्टेनलेस स्टील के अम्ल उपचार में किया जाता है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरियों में आपने देखा होगा, कार बैटरी है, मोटरसाइकिल की बैटरी है, ये आपको बहुत अच्छे से इसका जो है आंसर पता है, सचायक बैटरी के उपयोग। अब जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका उपयोग अपमार्जक उद्योग में भी किया जाता है, ए और बे दोनों ऑप्शन में नहीं है, पेट्रोलियम के शोधन में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, उपयुक्त सभी। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरियों में भी किया जाता है दोस्तों, ज़्यादातर इसको बैटरी में प्रयोग करते हैं, तो आप ऑप्शन पहला देखते जल्दबाजी में इसे टिक नहीं कर दें, ये चार ऑप्शन इसीलिए बनाए मैंने कि आप उसके देखें कि आप बैटरी में तो किया ही जाता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है हर प्रकार की बैटरी जो है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल संचायक बैटरी में, अपमार्जक में भी किया जाता है और पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो मैंने ये प्रश्न आज के इसमें टॉप 20 में डाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11, कपड़ों से स्याही व जंग के दाग हटाने में किया जाता है, जब अपने पेन कई बार ख़राब हो जाते हैं जेब में, जब स्याही के जो दाग धब्बे लगे होते हैं या जंग से कोई दाग धब्बा लगा होता है उसको हटाने में किसका उपयोग किया जाता है, ये एवरीडे साइंस के रिलेटेड है और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 में आपका जो है 30 सेकेंड लगभग हो चुके होंगे, तो सही आंसर है इसका कौन सा, सह ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है इसका उपयोग किया जाता है किसके अंदर, कपड़ों से स्याही से दाग धब्बे। ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त कहाँ से किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था उस टाइम में टमाटर वगैरह से,
कहाँ से किया जाता है, टमाटर, पालक, सोरेल ट्री इत्यादि से ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 11 के बाद 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया, निम्न में से कौन सा प्रबल क्षारक का उदाहरण है। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक दो तरीके के हैं। प्रबल क्षारक में मैंने आपको बताया था जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, और दुर्बल क्षारक वे होते हैं जो आंशिक रूप से आयनिक होते हैं। और साथ में एक प्रश्न मैंने बना रखा है तो वो पूरा मैं अभी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्रबल क्षारक का उदाहरण है। प्रबल क्षारक का उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड या फिर उपयुक्त सभी। प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक का उदाहरण मैंने आपसे पूछा है, प्रबल क्षारक कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें प्रबल क्षारक का उदाहरण कौन कौन सा है। इनका मैं आपको फिर से ट्रांसलेशन बता देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम सूत्रीय रूप में अगर इसको लिखना हो तो इसे लिखा जाएगा क्या, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले, क्या लिखा जाता है इसको, NaOH। तो ये हो जाएगा अपना क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए यहाँ लिख देता हूँ KOH, ठीक है। प्रबल क्षारक का उदाहरण बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल्टवाइज। बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ क्लियर कर देता हूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ, बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम लिखेंगे BaOH का होल्टवाइज, ये होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रबल क्षारक के ये जो हैं सभी उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 12 जो है इसका सही आंसर होगा द, ये सब प्रबल क्षारक के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 13 पर। अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से अगर जलीय विलयन में आयनित हो जाते हों, वो होते हैं कौन से होते हैं, दुर्बल क्षारक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, दुर्बल क्षारक, ऑप्शन स में है अपने पास, प्रश्न संख्या 13 में स, तो ये होगा दुर्बल क्षारक। अभी मैंने बताया था प्रबल क्षारक वो होते हैं, प्रबल क्षारक जो कि जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं जबकि आंशिक आयनित होते हैं। तथा इनकी एक खास बात और क्या होती है, विलयन में अणु तथा आयन दोनों होते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक। दुर्बल होते हैं वो हमेशा दो साथ में रहते हैं, तो याद रखना अणु तथा आयन दोनों देते हैं। यहां से एक अलग प्रश्न भी बना सकता है कि वे क्षारक जो अपने जलीय विलयन में, यहां से इतना इतना एक प्रश्न बन सकता है, जलीय विलयन में अणु तथा आयन दोनों देते हो क्या कहलाते हैं, तो वो होते हैं क्या, दुर्बल क्षारक, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सभी क्षारक क्षार होते हैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, ए और से दोनों सही हैं। आपका सही आंसर जानना चाहूंगा मैं इस पर। प्रश्न संख्या 14 जो है ये आपको दिया गया है। अब मैं आपको इसके एक छोटी सी टिप्पणी बता देता हूं कि सभी क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक जो होते हैं ना उन्हें हम क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप। तो सभी हो नहीं सकते, तो इसलिए हम इस कथन के उदाहरण पर हम क्या कह सकते हैं कि सभी क्षार जो हैं वो क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार होते हैं, ये बात गलत है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको कंठस्थ कर लीजिए। सभी क्षार जो हैं वो क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। क्यों होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 के बाद 15वां प्रश्न दिया गया है, प्रबल क्षारक या प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH आदि अपने जलीय विलयन तथा गलित अवस्था में। प्रबल क्षार जो होता है वो NaOH, ये एग्जांपल लिया गया है NaOH, KOH, ऐसे यहाँ पर मिस्टेक है, मिसप्रिंट है थोड़ा, तो यहाँ पर आप KOH, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि अपने जलीय विलयन तथा गलित अवस्था में विद्युत के होते हैं, क्या होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है ना, अच्छे चालक होते हैं। इसका सही आंसर होगा 15 का ब, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या
16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं और अपना टाइम हो चुका है तो इसलिए थोड़ा सा तेज चलेंगे। प्रश्न संख्या 16 में दिया गया, निम्न में से किसका उपयोग अम्लीय मृदा को उपचारित करने में किया जाता है। किसान लोगों के पास जो जमीन है उसमें ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग करने से या मृदा अम्लीय हो जाती है तो उसका उपचारित करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा क्या, दे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किसानों द्वारा किया जाता है जिससे कि अम्लीय मृदा को आप उपचारित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 और इसका आंसर होगा द। इसे अगर आप सूत्रीय रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो इसका होगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या लिखेंगे इसे, CaOH का होल ट्वाइस, इस प्रकार भी ये लिखा हुआ आ सकता है। प्रश्न संख्या 16 के बाद में प्रश्न संख्या 17 में दिया गया है, निम्न में से किसका उपयोग प्रति अम्ल एंटी एसिड के रूप में चीनी उद्योग में किया जाता है। चीनी उद्योग में किया जाता है, आजकल चीनी उद्योग लगभग अभी घाटे में चल रहे हैं इसलिए हो सकता है कि इस पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में चीनी उद्योग में यानी एंटी एसिड के रूप में किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 17 और 17 का जो सही आंसर है वो है, पूरा प्रश्न मैं आपको शो कर देता हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये यहाँ तक टाइप हो चुका है इसलिए इसका जो सही आंसर मैं बताना चाहता हूँ आपको वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप सूत्रीय रूप में लिखना चाहोगे तो मैग्नीशियम को लिखेंगे हम Mg और हाइड्रोक्साइड को लिखेंगे OH का होल ट्वाइस। इस तरीके से हम इसको सूत्रीय रूप में भी याद रख सकते हैं, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि चीनी उद्योग में प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18, दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके इस मोटिवेशन से मैं ये वीडियो और बना सकूं। प्रश्न संख्या 18 है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, शैम्पू तथा शेविंग क्रीम के अंदर, मृदु साबुन बनाने में या फिर इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में भी किया जाता है, शैम्पू साबुन में भी किया जाता है और मृदु साबुन, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से किसे ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये लैंग्वेज ज़्यादातर पूछी जाती है आजकल, अम्लों का राजा के नाम से पूछना वो जो है कम कर दिया है। निम्न में से किसका उपयोग, निम्न में से किसे ऑयल ऑफ विट्रियोल, प्रश्न संख्या 19, या अम्लों का राजा कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। 19वें का सही आंसर होगा बे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे अम्लों का राजा या ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है टॉप 20 में, और एक मैसेज भी मैंने पढ़ा था, एक दोस्त ने लिखा है, विद्यार्थी ने लिखा है कि सर 40 क्वेश्चन होने चाहिए। 40 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, ये पहले मुझे खुद बुक से बनाने पड़ते हैं, NCERT की बुक, अन्य जो भी बुकें आप यूज़ कर रहे हैं कंपटीशन की, उसके बाद में इनको टाइप करना, ये सब थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, हिंदी टाइपिंग मेरा वैसे भी कमज़ोर है। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 20 में दिया गया आपको, मृदु पेयों में उत्पन्न फिज ध्वनि का कारण, जब अपने मृदु पेयों में, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, जब हम किसी कोल्ड ड्रिंक को या फिर कोका कोला की बोतल को जब खोल दे तो एक ध्वनि आती है फिज की, इस तरीके की, वो जो है वो किसके कारण होती है, टार्टरिक अम्लों का CO2 बुलबुलों में अपघटन होना, या ग्लूटामिक अम्ल का CO2 बुलबुलों यानी कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों में अपघटन होना, कार्बोनिक अम्ल का CO2 बुलबुलों में अपघटन होना, या बेंजोइक अम्ल का, किसका होगा। तो इसके लिए अपने को जो है इसका सही आंसर होगा कौन सा, कार्बोनिक अम्ल का, ये दो बार यहाँ लिखा गया है, कार्बोनिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों में अपघटन होने की वजह से जो है हम किसी भी मृदु पेय की जब उसको खोलते हैं उत्पन्न जो फिज की ध्वनि होती है, ठीक है, तो वो हमें सुनाई पड़ती है। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड, आज के लिए इतना ही है दोस्तों।